क्रिकेट के आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैपेसिटर क्या होता है और कैपेसिटर का एक फॉर्म है नॉन पोलराइज कैपेसिटर जिसकी लेग प्लस और माइनस नहीं होती है, जिसकी दोनों लेग एक जैसी दिखती है और किसी भी लेग को किसी भी टर्मिनल से आप कनेक्ट कर सकते हो। पॉजिटिव और निगेटिव इसमें ध्यान में नहीं रखना होता है। इसके पहले वीडियो में हमने पोलराइज कैपेसिटर के ऊपर वीडियो बनाया है, उसमें हमने देखा था कि उसकी दोनों लेग में प्लस माइनस होता है, तो आपको ध्यान रखना होता है जब भी उसका कनेक्शन करते हैं। पर आज के वीडियो में हमें कनेक्शन का ध्यान नहीं रखना होगा, बस हमें कनेक्ट सही करना है कि उसका कनेक्शन ठीक तरह से इलेक्ट्रॉनिक पार्ट के साथ हो जाए। तो कैसे हम करेंगे उसका कनेक्शन, तो हम देखेंगे कि कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर के बहुत सारे वर्क होते हैं, पर आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को कैसे स्टोर करता है और उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम फिर कैसे यूज़ करते हैं। तो इसका सिंबल आप देख लेना, ये इस टाइप का सिंबल है, मार्केट में ये कुछ इस टाइप से दिखाई देंगे, इनके ऊपर वैल्यू लिखी होती है और ये कलर में अलग अलग हो सकते हैं और ये छोटे छोटे होते हैं। तो आप टिंकरकैड में देखोगे इस टाइप से आपको कैपेसिटर दिखाई देगा, हम इसका यूज़ करते हैं। चलते हैं टिंकरकैड पे, टिंकरकैड ओपन है हमारा। यहाँ आप देखोगे एक कैपेसिटर आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, तो ये कैपेसिटर है, तो इसको यूज़ करेंगे। पर इसको यूज़ करने से पहले हम क्या करेंगे, एक सर्किट को रेडी करेंगे। तो हमने एक बैटरी 9 वोल्ट की ली है और बैटरी का यूज़ करेंगे इस LED को जलाने में। तो अगर हम इस LED को कनेक्ट करेंगे डायरेक्टली, LED ख़राब हो जाएगी क्योंकि 9 वोल्ट की बैटरी है, इसलिए हम इसके साथ में एक रजिस्टर का यूज़ करेंगे ताकि इसकी जो 9 वोल्ट है उसको कम कर पाए। रजिस्टर का काम होता है जो भी वोल्टेज है उसको ये कम कर देगा। पर हम इस LED को ऑन ऑफ भी करना चाहते हैं, तो इसके साथ में हमने एक स्विच को भी ऑन यूज़ किया है। तो स्विच के बीच वाले टर्मिनल को हमने रजिस्टर से कनेक्ट किया है और राइट साइड वाली लेग से हमने एक वायर लेकर के इस LED के पॉजिटिव वाले टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद हम अपने निगेटिव वाले टर्मिनल को LED के निगेटिव वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे हैं और LED का जो सर्किट था वो पूरा हो गया है। अब हम अगर सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं और स्विच को ऑन करते हैं तो LED हमारी जल रही है और LED ब्लास्ट भी नहीं रही है, ख़राब भी नहीं होगी, क्योंकि LED जो जलती है वो 2 से 3 वोल्ट में जल रही है, हमने उसके लिए रजिस्टर लगा रखा है। पर यहाँ पर जो कैपेसिटर था, अब इसका हम यूज़ समझते हैं क्या होता है। तो कैपेसिटर ये क्या करता है कि एनर्जी को अपने पास स्टोर कर लेता है। तो जब ये अपने पास एनर्जी स्टोर करेगा तो ये चार्ज भी होगा और चार्ज होगा तो डिस्चार्ज भी होगा। तो ये जैसे बैटरी, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो कैपेसिटर ये इस बैटरी की तरह काम कर रहा है। बस इसमें और इसमें फ़र्क ये है कि ये बैटरी ज़्यादा देर तक हमें वोल्टेज दे सकती है, बट ये कैपेसिटर क्या करता है, थोड़े ही समय के लिए हमें वोल्टेज देगा और थोड़े ही समय में ये डिस्चार्ज भी हो जाएगा और बहुत ही जल्दी चार्ज भी हो जाता है। बैटरी को चार्ज होने में भी टाइम लगता है और डिस्चार्ज होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, पर यहाँ पर जो कैपेसिटर है ये बहुत जल्दी डिस्चार्ज भी होता है और बहुत जल्दी चार्ज भी हो जाता है। तो इसी नेचर का हम यूज़ करेंगे और अपने किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट को हम सेव कर सकते हैं इसके थ्रू, और इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इससे भी हम पावर दे सकते हैं। कैसे, जब भी हम कैपेसिटर को यूज़ करेंगे तो कैपेसिटर को हमेशा हम क्या करेंगे, पैरेलल में यूज़ करेंगे। अगर आपको एनर्जी को स्टोर कराना है तो हम क्या करेंगे, इसके पॉजिटिव वाले लेग से एक वायर निकालेंगे और इसके एक लेग को कनेक्ट कर देंगे। किसी भी लेग पे कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये नॉन पोलराइज कैपेसिटर है, आपको इससे मतलब नहीं कि इसका प्लस माइनस कौन सा है। और इसके जो लेग का वायर का कलर है वो हम चेंज करते हैं और दूसरे लेग को हम इसके निगेटिव वाले लेग से कनेक्ट कर देते हैं और इसका भी कलर हम चेंज करते हैं ब्लैक कलर का। और अब हम समझेंगे कि कैसे क्या होगा। तो जो भी पावर यहाँ से आ रही थी, सेम पावर हमने सेम वायर को हमने कैपेसिटर से भी कनेक्ट किया हुआ है, तो ये इस तरह से पैरेलल में कनेक्ट हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको ऑन करते हैं। तो जब हम ऑन कर रहे हैं तो आप देखोगे ये हमने LED को ऑन कर दिया, लेकिन जब हम ऑफ करेंगे, LED थोड़ी देर तक जली और फिर बंद हुई। देखिएगा ध्यान से, हमने LED को ऑन कर दिया, LED जब बंद करेंगे तो ये थोड़ी देर तक जलेगी, अब बंद हुई। तो ये क्या हो रहा है, ये इस वजह से हो रहा है कि जब हमने इसको ऑन किया है, यहाँ पर स्विच को ऑन किया है, तो यहाँ से जो भी पावर जा रही है वो इस कैपेसिटर को चार्ज भी कर रहा है और चार्ज करने के बाद LED हमारी जलने लग रही है, क्योंकि ये जो करंट वोल्टेज है इसको चार्ज करने के बाद इस LED के पास जा रहा है। अब जब इसको हम ऑफ कर रहे हैं तो इसके पास जो भी चार्ज पहुंच गया था, ये चार्ज हो चुका था। जैसे ही स्विच ऑफ हुआ, यहाँ से
वोल्टेज बैटरी से नहीं जाएगी अब यहाँ पर, तो उस केस में क्या होगा, इससे जो चार्ज हुआ था ये डिस्चार्ज होगा और करंट यहाँ से निकल के इस एलईडी के पास पहुँच रहा है। तो देखिए ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है और जैसे हम ऑफ कर रहे हैं कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, एलईडी थोड़ी देर तक जल रही है। पर अगर हमें थोड़ी ज़्यादा देर तक जलाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस कैपेसिटर की वैल्यू जो है यहाँ पर 100, उसकी वैल्यू को हम बढ़ाते हैं तो यहाँ पर हम माइक्रो फैरेड में कर रहे हैं और इसको हम फिर से ऑन करते हैं तो एलईडी जली। और देखिए जैसे हम इसको ऑफ करेंगे एलईडी ऑफ हुई और बंद हो गई, पर इसकी वैल्यू को अगर हम बढ़ा देते हैं, हम यहाँ से चलते हैं इसकी वैल्यू को बढ़ाते हैं, जैसे यहाँ पर माइक्रो फैरेड में अगर हम इसकी वैल्यू को कर देते हैं और उसके बाद हम सिमुलेशन को स्टार्ट करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, अभी एलईडी देखिए नहीं जली क्योंकि इसकी पावर को हमने बढ़ा दिया, ये ज़्यादा चार्ज करेगा अपने आप को, तो ये जो यहाँ से वोल्टेज जा रही है सबसे पहले इसको चार्ज करेगा, अभी ये वोल्टेज एलईडी के पास नहीं पहुँच रही है, और जब ये चार्ज हो जाएगा उसके बाद ये वोल्टेज यहाँ पहुँचेगी। देखिए ये चार्ज हो चुका है, अब धीरे धीरे ये वोल्टेज अब ये यहाँ पर इस एलईडी के पास जा रही है, तो ये देखिए धीरे धीरे अब ये ऑन हो रही है एलईडी, ये देखिए। और अब जैसे ही यहाँ से लाइट ब्रेक होगी, हम स्विच से लाइट को ब्रेक कराएंगे, जैसे ये लाइट ब्रेक होगी तो ये जो चार्ज हो गया है या डिस्चार्ज होगा तो इससे यहाँ पर पावर मिलती रहेगी और एलईडी हमारी थोड़ी देर तक जलती रहेगी। तो हम इसको स्विच को ऑफ करते हैं बैटरी के पावर को, देखिए एलईडी हमारी जल रही है और धीरे 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 ये ऑफ हो रही है, आप देख सकते हो यहाँ पर धीरे धीरे ये ऑफ हो रही है और ये काफ़ी देर तक जलती रहेगी और फिर काफ़ी देर के बाद में ये ऑफ होगी। तो हम इसको इस तरह से जब हम ऑन कर रहे हैं तो काफ़ी देर बाद ये ऑन हो रही है, जब ये ऑफ कर रहे हैं तो काफ़ी देर तक जल रही है और बाद में ये ऑफ हो रही है। ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि ये कैपेसिटर अपने आप को चार्ज कर रहा है और जब यहाँ से पावर नहीं मिल रही है तो ये डिस्चार्ज हो रहा है और एलईडी को पावर दे रहा है। तो हमने इस तरह से कैपेसिटर को देखा कि वो कैसे अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करता है और जब वो एक्सटर्नल पावर नहीं मिल रही होती है तो उस पार्ट को यहाँ से ये पावर सप्लाई कर देता है। तो अब हम कैपेसिटर के और भी फंक्शन को देखेंगे आगे आने वाले वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर जरूर करना। थैंक यू ऑल ऑफ यू।